फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे गार्डन में खिले हुए हिबिस्कस फ्लावर, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो प्लांट हैं फ्रेंड्स, ये ड्वार्फ वैरायटी है। आप देख ही पा रहे हैं कितने सारे इनमें बर्ड्स भी आए हैं और बहुत सारे फूल भी खिल रहे हैं। और दो तीन प्लांट एक ही पॉट में मैंने लगाया है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉट है। और ये जो मेरा प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत कम ही फ्लावरिंग कर रहे थे, क्योंकि मैं खाद नहीं दे पा रही थी इन्हें। लगातार बारिश हो रहे थे, बारिश के कारण से मैं खाद नहीं दे पा रही थी। अब जाके मैंने इन्हें खाद दिया है तो ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले मैंने इन्हें वर्मी कंपोस्ट दिया है, मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई किया मैंने, और फिर दो मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट इन्हें दिया। और फिर बाद में लिक्विड मैंने तैयार किया सरसों की खली, नीम की खली का। तो आप देख ही पा रहे हैं कितने सारे फ्लावर दे रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं एक दो मुट्ठी अपने गमलों के अकॉर्डिंग से, और सरसों की खली, नीम की खली का लिक्विड तैयार करके दीजिए, तो बहुत अच्छे से इनके ग्रोथ भी होती है और ज़्यादा फ्लावरिंग भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिबिस्कस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स आएँ, तो आप सरसों की खली, नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट, इन चारों को बराबर कर लीजिए। बराबर करके एक बकेट में पानी लीजिए और उसमें ढक के अच्छे से भिगो लीजिए 4-5 दिनों के लिए। 4-5 दिन के बाद थोड़े से और वाटर ऐड करके, पानी और थोड़े से मिला करके सभी प्लांट को दीजिए। या आपके हिबिस्कस प्लांट हो, या कोई और भी प्लांट हो, फ्रूट प्लांट हो, या फिर फ्लावर प्लांट हो, इन सभी में देंगे तो इनकी ग्रोथ भी आती है और फ्लावरिंग भी करते हैं। और जो हिबिस्कस प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, उनमें मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो मिलीबग जब भी लगे आपके प्लांट में, तो आप हर 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। तो जो भी आपके प्लांट में मिलीबग लगे रहते हैं, और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं जो लगे रहते हैं, वो सभी हट जाते हैं। तो 10-15 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे करें अपने प्लांट पे। और इन्हें लगाने के लिए जो मिट्टी आप तैयार करते हैं, वेल टेन कीजिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तब इन्हें लगाइएगा। एक हिस्सा मिट्टी लीजिएगा और डेढ़ हिस्से में खाद। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और रिवर सैंड, जिन्हें रेत कहते हैं, इन सभी को मिला लीजिएगा और सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तब इन्हें लगाइएगा। और एक बात कहनी है, जब भी आप प्लांट लगाइए, पहले आप नर्सरी से लाते हैं प्लांट और फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप धूप में ही छोड़ देते होंगे प्लांट को। कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो धूप में ही छोड़ देते हैं ट्रांसप्लांट करके प्लांट को, जिससे प्लांट मर जाते हैं। तो पहले आप जब भी नर्सरी से प्लांट लाएँ, एक दो दिन रखें अपने प्लांट के ग्रुप के साथ, फिर उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कीजिए। ट्रांसप्लांट करके फिर आप एक हफ्तों के लिए शेडी प्लेस में इन्हें रखिए, जहाँ पे बिल्कुल इन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए, ब्राइट रोशनी हो वहाँ पे रखिए, जब आपके प्लांट अच्छे से चल पड़े, फिर उसके बाद आप धूप में इस प्लांट को रख सकते हैं, या कोई भी प्लांट हो। तो चलिए मैं अब दिखा रही हूँ पिछले साल का ग्राफ्टिंग किया हुआ मेरा ये प्लांट। तो देखिए, ये ड्वार्फ वैरायटी हिबिस्कस के मैंने कटिंग लिए थे और काफ़ी बड़ा फूल आया हुआ है। पेटल्स आप देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और एक ही टहनी मैंने लगाया था, वो सक्सेस हुए। तो अब जुलाई अगस्त में ग्राफ्टिंग करेंगे तो सक्सेस भी होते हैं। जब भी आप ग्राफ्टिंग करें अपने हिबिस्कस का, तो उस प्लांट को, उस पॉट को उठा करके आप शेडी प्लेस में रखिए, जब तक आपके ग्राफ्टिंग सक्सेस ना हो जाए। तो आप जुलाई अगस्त में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जब बिल्कुल छांव वाले मौसम रहते हैं, लगातार बारिश होते रहते हैं, तब ग्राफ्टिंग सक्सेस भी होते हैं। तो मैंने किया हुआ है, आप देख ही पा रहे हैं एक ही टहनी में कितना खूबसूरत सा फूल आया है। तो फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग पे मेरा वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल में जाइएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, जो कि मैंने ग्राफ्टिंग पे वीडियो डाला है और दिखाया भी है कि कैसे ग्राफ्टिंग करनी है, किस तरह से इन्हें रखना है ग्राफ्टिंग करने के बाद। और सक्सेस भी हुए हैं, वो भी मैंने दिखाया है।
तो वीडियो को आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर आपके हिबिस्कस प्लांट पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उस पे भी मेरा वीडियो है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने बताया भी अभी इस वीडियो में कि क्या क्या आपको फर्टिलाइज़र इन्हें देना है, और इन्हें पूरे दिन की धूप में रखें, सुबह से लेकर शाम तक इन्हें धूप मिलती रहे। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के साथ फिर मिलूँगी।